कुछ नहीं करना आपने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट मैथमेटिकली बात करते हैं, अभी तक हम चार्जेस को थ्योरेटिकली बात कर रहे थे, अब इसको मैथमेटिकली बात करते हैं। और मैथमेटिकली हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे दो चार्जेस में। तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकते हैं, चाहे वो अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, उनमें फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी। तो दो चार्जेस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्स होगी, वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो सबसे पहले हमें किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कूलम। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दो चार्जेस r डिस्टेंस अपार्ट हैं आपस में, r डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो दो चार्जेस में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। चाहे अट्रैक्शन होगी चाहे रिपल्शन होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वैल्यू ऑफ फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस में। तो दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, आर का स्क्वायर होगी। तो जो फोर्स है, देखो आप कहेंगे सर साइन नहीं लिया, साइन लेने की जरूरत नहीं है, देखो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो कूलम लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। इन्हें अगर हम कंबाइन करें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर भी किया था प्लस वन में, उसके अंदर भी ऐसा ही था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें जो कांस्टेंट था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है कि आप फोर्स को जहां मर्जी निकालें, वैक्यूम में निकालें, वाटर में निकालें, जुपिटर पे निकालें, अर्थ पे निकालें, मून पे निकालें, तो कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी, दैट इज यूनिवर्सल। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है, ये कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, कि दो चार्जेस कहां पर पड़े हुए हैं, क्या वो वैक्यूम में पड़े हुए हैं, क्या वो वाटर में पड़े हुए हैं, क्या वो पेट में पड़े हुए हैं, क्या वो ऑयल में पड़े हुए हैं, क्या वो ग्लास में पड़े हुए हैं। ऐसे हजार किस्म के मीडियम्स हो सकते हैं जहां पर ये चार्जेस पड़े हो सकते हैं। तो वो मीडियम के अकॉर्डिंगली फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये जो फोर्स है इसमें जो कॉन्स्टेंट आएगा ये मीडियम पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मीडियम वैक्यूम है और सिस्टम ऑफ यूनिट SI है, चलो हम सिर्फ SI की बात करते हैं, CGS की बात नहीं करते अभी। तो अगर आपका जो मीडियम है वो वैक्यूम है और SI सिस्टम है, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसकी वैल्यू है 1/4πε0। ये जो सिंबल है, जैसे म्यू एक सिंबल था, अल्फा सिंबल है, बीटा गामा ये सिंबल के नाम है, ऐसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्साइलन, EPSILON, एप्साइलन। और नॉट का मतलब होता है कि जो मीडियम है जिसकी बात हो रही है वो वैक्यूम है, जहां पर एप्साइलन के पैर में नॉट लग जाए इसका मतलब मीडियम वैक्यूम है। तो यहां पर इस कांस्टेंट को आपने याद रखना है। तो अगर मैं कांस्टेंट इस फोर्स में कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करूं तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर मेरे को कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें दो चार्जेस की वैल्यू गिवन हो, आर गिवन हो, जैसे चार्जेस 1 कूलम गिवन हो, आर 1 मीटर गिवन हो, तो मैं अगर पूछूं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को याद रखना है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10^-12, ये याद रखना है। तो आप सोचें जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप पुट करेंगे 1/4π× 8.8 × 10^-12 × 1 × 1/1 का स्क्वायर आंसर आएगा। आपसे अगर ये पूछा जाए, चलो मीडियम वैक्यूम नहीं है, मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर में इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1/4πε0 वाटर। अब यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो गई, नॉट वैक्यूम के लिए स्टैंड करता है, वाटर के लिए डब्ल्यू लगा दिया,
तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो गया, ना तो मैंने Q1 चेंज किया, ना Q2 चेंज किया, ना मैंने R चेंज किया, लेकिन मेरी जो वैल्यू है फोर्स की वो चेंज हो गई, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो गई। आप कहेंगे सर वाटर का एप्सिलॉन है क्या? मेरे को नहीं पता क्या है, वो न्यूमेरिकल पूछने वाला आपको देगा, क्योंकि मेरे लिए तो 1000 किस्म के मीडियम्स हैं, मैं हर मीडियम का एप्सिलॉन याद नहीं कर सकता। मैं वैक्यूम का याद कर सकता हूं, मैंने एक मीडियम का याद कर लिया, बाकी मीडियम्स की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अगर ये वैल्यू मैं आपको दे दूं तो आप अपना आंसर निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर मीडियम ऑयल है तो यहां पर ऑयल पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी, आंसर आ जाएगा। तो इन जनरल चाहे ऑयल है, चाहे ग्लास है, चाहे कुछ भी है, तो इन जनरल फोर्स का फॉर्मूला बनता है 1/4πε(m), m स्टैंड फॉर एनी मीडियम, इनटू Q1 Q2/R का स्क्वायर। तो ये किसी भी मीडियम का फोर्स का फॉर्मूला, और ये वैक्यूम में जब चार्जेस पड़े हुए हैं उसका फॉर्मूला, ये याद करेंगे आप। अब बात करते हैं ये एप्सिलॉन है क्या चीज। देखो जैसे सिंबल म्यू एक सिंबल है, हमने प्लस वन में किया था, म्यू सिंबल का नाम है, होता क्या था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा हमने किया प्लस वन में। फिर मैं पूछता था ये क्या सिग्निफाई करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है, तो आप सबको पता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है तो म्यू बड़ा है तो वहां पर फ्रिक्शन की फोर्स बड़ी है, और अगर म्यू छोटा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटी है। उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो सिंबल का नाम है, जैसे म्यू एक सिंबल का नाम है, एप्सिलॉन नॉट सिंबल का नाम है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि नॉट का मतलब है वैक्यूम, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसी तरीके से एप्सिलॉन डब्ल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, उसी तरीके से एप्सिलॉन एम को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। आप कहेंगे ये ऐसे नाम क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होती है परमिटिविटी? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है फॉर एनी मीडियम, और मैं ये बोलता हूं कि किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो आप ये देखें कि अगर ये वैल्यू बड़ी है राइट, तो अगर मान लो किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा है तो उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो परमिटिविटी हमें यह बताती है लार्जर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अगर हाई है तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस उतनी ही क्या आएगी, कम आएगी, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसमें लिखा भी हुआ है राइट, लिखा हुआ है देखो कि अगर एप्सिलॉन एम बड़ा है तो फोर्स चार्जेस के बीच में क्या आएगी, कम आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हर न्यूमेरिकल में, ज्यादातर न्यूमेरिकल वैसे वैक्यूम पे आते हैं जिसमें 1/4π एप्सिलॉन नॉट यूज करना पड़ता है। अब हर न्यूमेरिकल में 1/4π 8.8 × 10^-12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम इस वैल्यू को याद कर लेते हैं कि 1/4π × 8.8 × 10^-12 को अगर सॉल्व किया जाए तो इस पूरे चीज को सॉल्व करके आंसर आता है 9 × 10^9। इसे आप प्लीज रिमेंबर करें, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि मान लो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस में, जब वो चार्जेस कहां पर पड़े हुए हैं, वैक्यूम में। तो आप क्या करेंगे, आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें 1/4π εo Q1 Q2/R2। तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह सीधा पुट करें 9 × 10^9। तो आप को ये पता है कि इस पूरी टर्म की कैलकुलेशन की हुई है हमने पहले से, 9 × 10^9, Q1 Q2 1 गिवन है, डिस्टेंस 1 गिवन है, सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आप इस अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो आपको ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधा पुट करें 9 × 10^9। नेक्स्ट है, हमने अभी जो कांस्टेंट सीखा है ना, हम सारे मीडियम की कांस्टेंट तो याद नहीं कर पा रहे, हमने वैक्यूम का तो कर ही लिया याद, वैक्यूम में ये फोर्स की वैल्यू हमें पता लग गई,
वैक्यूम के अंदर ये कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर वैक्यूम की ही बात करें और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लें, सीजीएस, वैक्यूम है, अगर एसआई है तो कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही अगर वैक्यूम है लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस है तो कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस में यूज की जाएगी 1, एसआई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीजीएस में सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये भी याद कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन बुक्स में या ज्यादातर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो एसआई में करते हैं, पर अगर क्वेश्चन सीजीएस में करना पड़ जाए आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन को कैसे करना है और कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पर ये भी याद रहे अगर सीजीएस में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया तो चार्ज कूलम में नहीं लिया जाएगा, चार्ज किस में लिया जाएगा, स्टैट कूलम में लिया जाएगा। एसआई सिस्टम चार्ज का कूलम होता है और सीजीएस सिस्टम क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। और डिस्टेंस मीटर की जगह किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो 1 कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन भी याद करना पड़ेगा। तो 1 कूलम किसके इक्वल है, 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो ये जब मैं यूज करूंगा कभी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट तो मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको कि सीजीएस में हमने क्या वैल्यूज की थी। पर मेनली आपको जो याद करना है वो वैक्यूम का एसआई ही याद करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R का स्क्वायर। ये आपका कूलम लॉ है जो फोर्स की वैल्यू बताता है। और हमने अब दो चीजें की, पहली चीज हमने ये की कि वैक्यूम के अंदर अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं उनमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R स्क्वायर। तो यहां पर नॉट यूज करेंगे क्योंकि वैक्यूम है। और अगर मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के अंदर वही चार्जेस है Q1 Q2, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम, क्योंकि बात मीडियम की हो रही है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स वैक्यूम में आ गई, ये फोर्स मीडियम में आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम ऊपर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या रिलेशन आया, आपके पास ये रिलेशन आ गया कि दो चार्जेस जब वैक्यूम में है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर आप एक रेशियो को रिप्रेजेंट करें, इस रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एप्सिलॉन आर। आर का मतलब है रिलेटिव। ये वर्ड रिलेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों एप्सिलॉन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर एप्सिलॉन आर, इसको बोलते क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो अब आप ये सोचेंगे ये तो कंफ्यूजन है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और तीसरी एक और टर्म आ गई कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहा है कि ये इतनी सारी चीजें कैसे काम आएंगी। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। आप इतना लंबा नाम नहीं यूज करना चाहते, मत करें, एक छोटा नाम है। तो इस पूरी टर्म का एक छोटा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं ज्यादातर इसमें यूज करूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं यहां पर इस टर्म को बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये सिंबल भी मैं कम यूज करूंगा, इस सिंबल की जगह मैं यूज करूंगा के। तो एप्सिलॉन आर या के एक ही बात है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अभी तक हमने किया तो किया क्या, हमने सिर्फ यह चीज की कि सपोज आपके पास कोई भी चार्जेस किसमें पड़े हुए हैं, वैक्यूम में, कोई भी चार्जेस किसमें पड़े हुए हैं, मीडियम में, इनकी रेशियो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट। ये रेशियो किसके इक्वल है, या तो के लिख दें या एप्सिलॉन आर लिख दें, एक ही बात है। तो आई होप ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट सबको क्लियर हो गया होगा।
क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आया कि इसकी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ये नाम कहां से आया, ये क्या चीज है। ठीक है, आपने एक सिंबल को डिनोट कर दिया के साथ, आपने आसान कर लिया एप्सिलॉन आर को के लिख दिया, पर रियलिटी में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आया कैसे। ये कुछ डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स स्टडी करवाए जाएंगे आपको, जो एक खास किस्म के इंसुलेटर्स होते हैं। तो जब हम उस मटेरियल को स्टडी करेंगे तो ये टर्म कहां से आई डायलेक्ट्रिक्स, ये आपको उसी टाइम पता लगेगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस रेशियो याद कर लें कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, बस इतना याद कर लें, सफिशिएंट है। आप सोचेंगे ये किया क्यों, देखो अब मैं बताता हूं कि ये डिवीजन का काम हमने किया क्यों। और उससे पहले एक और चीज, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी कंडक्टर का या मेटल का इनफाइनाइट होता है, ये एक फैक्ट याद करें। मैं इस टर्म को या इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी नहीं, ये तब किया जाएगा जब डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके जब टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, ये तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस फैक्ट को याद करें सिर्फ। असली काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि सिग्निफिकेंस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है क्या, हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज देखें, अगर आपके पास कोई दो चार्जेस है 1 कूलम एंड 3 कूलम और डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में कितना है 2 मीटर, और मैं ये बोलता हूं कि दोनों चार्जेस में आप फोर्स निकालें और चार्जेस किस में पड़े हुए हैं इन वैक्यूम, ये तो आसान क्वेश्चन है। आपने वैक्यूम में ये फॉर्मूला लिखा, इसकी जगह 9 × 10^9 लिखा, चार्ज आपको पता है 1 एंड 3, डिस्टेंस आपको पता है 2, सॉल्व किया आंसर आ गया। तो ये फोर्स किस में निकली, वैक्यूम में निकली। पर हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन आए कि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस बार चार्ज किस में पड़ा हुआ है, इन वॉटर में पड़ा हुआ है। अब निकालने फोर्स की वैल्यू, और साथ में यह भी गिवन है वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितने है 10। अब देखो, आपने ऊपर फोर्स निकाली थी वैक्यूम में, वैक्यूम में तो आपको वैल्यू याद ही थी, तो आपने इस फोर्स को निकाल लिया था। पर आपको इस क्वेश्चन में फोर्स किस में निकालनी है, आपको इसमें फोर्स निकालनी है इन वॉटर। कोई बात नहीं, आप डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की रेशियो को लिखें। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम। अब यहां पर मीडियम क्या है, वाटर। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का क्या है 10, वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, वाटर में फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर? ठीक, ठीक। सो फोर्स इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट के लिए ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये नीट और मेन में बहुत बार यूज होता है। स्पेशली एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में से, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में से ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एप्सिलॉन नॉट की एप्लीकेशन बहुत यूज होती है। तो उसको निकालना सीख लें, इसको याद तो कर नहीं सकते। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखें वैक्यूम में, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, फोर्स एक तरफ, 1/4π तो कुछ नहीं है, चार्ज क्या है, आप चार्ज को क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज है क्यू उसको लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू टाइम, इस चार्ज की जगह एम्पियर इंटू टाइम, फोर्स की जगह MLT-2, डिस्टेंस की जगह एल का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये याद नहीं करना, ये खुद बनाना है पेपर में। तो जब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो कैसे बनाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो
ये जो टॉपिक था आपको कूलम लॉ की फोर्स की वैल्यू के बारे में बता रहा था। मैं आपको अब थ्योरी इतनी है, मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में कूलम लॉ लगाना कैसे है। कूलम लॉ लगाने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है 1 मीटर अपार्ट, -2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है 1 मीटर अपार्ट, -2 -3 कूलम 1 मीटर अपार्ट। अब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या है, फोर्स निकालो, वैक्यूम मीडियम है। तो किसी ने कहा कि पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर इज 1/4πε0 2 × 3 / 1 2। वो बोलता है कि ये फोर्स की वैल्यू है। उसे पूछा गया दूसरे केस में फोर्स की वैल्यू क्या है, तो वो बोलता है 1/4πε0 2 × 3/1 2। उससे पूछा गया कि तीसरे केस में फोर्स की वैल्यू कितनी है, वो फिर से ये बोलता है 2 × 3/1 2। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई ऐसे कैसे, आप सभी केसेस में एक जैसा आंसर कैसे देख सकते हैं। तो वो ये बोलता है कूलम लॉ ने हमें ये बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, हमें उसके अंदर भी मॉड लगा हुआ था Q1 Q2 में। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपने लेना है तो ये मैग्नीट्यूड तीनों केस में यही रहेगा। पर सोचने वाली बात यह है चार्जेस के साइन में तो डिफरेंस है, तो आंसर डिफर कैसे करेगा। आंसर ऐसे डिफर करेगा कि जब ये वाला आंसर लिखा जाएगा फर्स्ट आंसर, तो लिखा जाएगा यहां पर ब्रैकेट में कि ये जो फोर्स है ये कैसी है, दिस इज रिपल्सिव। रिपल्सिव एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा फोर्स इज अट्रैक्टिव, और ऐसी माइनस माइनस चार्ज है फोर्स इज रिपल्सिव। तो अब क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है, फोर्स की वैल्यू भी लिख दी और फोर्स की जो है रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है उसकी नेचर भी लिख दी। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब ये बिल्कुल सही तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही लें और ब्रैकेट में लिख दें फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है, बात खत्म। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी कर सकता है, ये मान लो फिर से क्वेश्चन है 2 कूलम 3 कूलम 1 मीटर, -2 कूलम 3 कूलम 1 मीटर, -2 कूलम -3 कूलम 1 मीटर। कोई ये बोलता है मैं तो ऐसे करूंगा, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 2 × 3/1 2। पहली फोर्स है, दूसरे केस में 1/4πε0 -2 × 3/1 2, और तीसरे केस में 1/4πε0 -2 × -3/1 2। तो उससे पूछा गया कि ये माइनस साइन क्यों लिया, तो ये बोला जा सकता है कि यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इन्हें माइनस करके इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, फोर्स का नेगेटिव, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर मींस कि दो चार्जेस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल। आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव तब आएगा जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, और नेचर सेम है तो रिपल्सिव है पॉजिटिव, और नेगेटिव तब आएगा जब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्टिव। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ऑप्शन दो किस्म के दिए जाएंगे। पहला वो आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा और ब्रैकेट में लिखेगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव अट्रैक्टिव रिपल्सिव, पहले वाला फॉर्मेट। लेकिन कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ब्रैकेट में अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं लिखता, वो लिखेगा दो चार्जेस में फोर्स है -10 न्यूटन। अब माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, और उनके बीच में फोर्स क्या है, नेगेटिव साइन, का मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो इनस्टेड ऑफ राइटिंग अट्रैक्टिव आपकी बुक्स क्या लिख सकती हैं, फोर्स इज नेगेटिव, वन एंड द सेम थिंग,
आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव फोर्स का मतलब यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्टिव, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव। तो आप ये पूछेंगे कि मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मेट नंबर वन की फॉर्मेट नंबर टू कि मैं क्या यूज करूंगा, कि फोर्स में साइन पुट करूंगा चार्ज के कि नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं जब कूलम लॉ लगाऊंगा, मैं फोर्स में जब चार्जेस को पुट करूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करूंगा। मैं ब्रैकेट में साइड पे लिख दूंगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, मैं बीच में चार्जेस के साथ नेगेटिव नहीं यूज करूंगा। मैं इस एग्जाम्पल को करके दिखाता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखें कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम, राइट, आपके पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम, राइट। आपके पास एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 कूलम, एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 कूलम। अब ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि दो ही चार्ज आएंगे, चार्ज तो तीन तीन भी हो सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप नेट फोर्स निकालें इस 3 कूलम के ऊपर। क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज, राइट। अब सोचने वाली बात यह है, 3 कूलम चार्ज को फोर्स कौन लगाएगा, इधर से 5 कूलम लगाएगा, इधर से 2 कूलम लगाएगा, तो कैसे लगाएगा? ये सब स्टैटिक चार्जेस हैं, मूव नहीं करेंगे प्लीज, सिर्फ जो है ये स्टैटिक रेस्ट पे पड़े हुए हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कूलम लॉ ऐसे ही लगेगा, एक ये रॉड ले ली, एक रिंग ले ली और Q1 Q2 चार्ज है और आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 Q1 Q2 / R2, नहीं लगेगा। क्या लगेगा ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा एक या दो लेक्चर के बाद कि इसको कैसे करना है। अभी के लिए कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए स्टडी किया जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये 2 कूलम 3 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। अब रिपेल में ये तो होता नहीं कि 2 कूलम ने 3 कूलम को अपनी तरफ बुला लिया, नहीं, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये 2 कूलम 3 कूलम को फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, 1/4πε0, मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 2 × 3/1² और उसी तरीके से ये 5 कूलम 3 कूलम पे फोर्स कहां लगाएगा, रिपेल करेगा। 5 कूलम भी 3 कूलम को रिपेल करेगा। तो क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे निकालने वाले हैं, तो सारे वेक्टर्स आपने 3 कूलम पे ही ड्रॉ करने हैं। तो 5 कूलम 3 कूलम को रिपेल करेगा इस तरफ, कितनी फोर्स के साथ, 1/4πε0 2 × 3/1² के साथ। तो 5 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल किया, 2 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल किया। अब ये क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है, एक वेक्टर राइट है एक लेफ्ट है 3 कूलम के ऊपर। तो अगर मैं पूछूं कि 3 कूलम पे नेट फोर्स कितनी है, तो बड़ी फोर्स और छोटी फोर्स को अगर कंसिडर करें, हम सॉरी यहां पर 3 की जगह 5 आएगा, ये रहा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर 5 लगाएंगे, 5, क्योंकि 5 × और यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर 3 आएगा, राइट। तो यहां पर 5 × 3/1² तो अगर नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या करेंगे, माइनस। कैसे करेंगे, ये फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है, तो आंसर आएगा 1/4πε0 3 × 5/1² −1/4πε0 2 × 3/1² कुछ ऐसे। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि पहले ये देखें कि नेट फोर्स किस पे निकालनी है। तो नेट फोर्स किस पे निकालनी है, 3 पे निकालनी है। तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, 3 पे ड्रॉ करने हैं। कौन लगाएगा फोर्स 3 पे, 5 भी लगाएगा, इधर से 2 भी लगाएगा। 2 ने 3 को रिपेल किया, 5 ने 3 को रिपेल किया, दोनों वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को क्या करें, माइनस। अब क्योंकि ये फोर्स बड़ी है ये छोटी है,
तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी कहां आएगी? लिखना है तो लिख सकते हैं, नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट, क्योंकि ये फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है, तो ये इसका नेट आंसर माना जाएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई ये सोचेगा कि ये पांच कूलम है, ये दो कूलम है, ये भी तो आपस में फोर्स लगा रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि ये तीन कूलम ने पांच कूलम पे भी तो फोर्स लगाई, तो ये वेक्टर यहां क्यों नहीं ड्रॉ किया? जरूर लगाई, पर हम यहां पर वो कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नेट फोर्स किसके ऊपर निकालने को कही गई? तीन कूलम। तो हम सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे? तीन कूलम पे, क्योंकि हमसे ये पूछा गया तीन कूलम पे नेट फोर्स क्या है, तो हम ये डिसाइड करेंगे तीन कूलम को कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे। पहला दो, दूसरा पांच, पांच ने रिपेल किया, तीन के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया, दो ने रिपेल किया, तीन पे ही वेक्टर ड्रॉ किया, क्योंकि नेट फोर्स तीन पे है, सारे वेक्टर तीन पे हैं। अगर क्वेश्चन इसकी बजाय ऐसा होता, मान ले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि सपोज आपके पास फिर से यहां पर ये टू कूलम है, ये थ्री कूलम है एंड ये फाइव कूलम है सपोज, और क्वेश्चन है कि आपको नेट फोर्स निकालनी है ऑन टू कूलम। अब टू कूलम कहां पर है? यहां पर है। अब टू कूलम पे फोर्स लगाएगा कौन? तीन लगाएगा और पांच लगाएगा, क्योंकि टू कूलम के आसपास कितने चार्जेस हैं वो सारे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जब हम नेट फोर्स टू कूलम पे निकाल रहे हैं तो हम सारी फोर्सेस कहां लेंगे? टू कूलम पे लेंगे। सारे वेक्टर कहां पे लेंगे? टू कूलम पे लेंगे। कैसे? थ्री कूलम ने टू कूलम को क्या किया? रिपेल किया, राइट? स्टैटिक है, मूव कुछ नहीं करेगा। तीन कूलम ने टू कूलम को रिपेल किया, कितनी फोर्स से? 1/4πε0 2 into 3 divided by, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, divided by 1 square। उसी तरीके से 5 कूलम ने भी 2 कूलम को रिपेल किया, कितनी फोर्स के साथ? 1/4πε0 2 into 5 divided by 1 plus 1 distance क्या हुआ? 2 का square, क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और डिस्टेंस इन दो चार्जेस में 2 मीटर है। अब दोनों फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो अगर मैं ये बोलूं नेट फोर्स क्या है, तो 1/4πε0 2 into 5 by 2 by 1 square या 2 square sorry and 1/4πε0 2 into 3 divided by 1 square, और नेट फोर्स कहां पर आएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई अगर ये पूछे सर पांच कूलम ने तीन कूलम को भी तो रिपेल किया, हाँ तो किया होगा ना, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है कि नेट फोर्स तीन पे लगाओ या पांच पे लगाओ, मेरा क्वेश्चन है नेट फोर्स दो पे लगाओ, तो मैं सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करूंगा? दो के ऊपर ड्रॉ करूंगा। तो कुल मिला के यहां पर तीन क्वेश्चंस हैं। अगर मुझे ये बोला जाता है कि नेट फोर्स दो पे लगाओ, तो दो के ऊपर ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, सारे वेक्टर दो पे बनेंगे। अगर नेट फोर्स तीन कूलम पे पूछी जाती है तो इसकी और इसकी फोर्स, इसकी और इसकी फोर्स। अगर पांच कूलम पे पूछी जाती है तो तीन और पांच की फोर्स, तो वेक्टर पांच पे ड्रॉ किए जाएंगे अगर पांच कूलम के ऊपर नेट फोर्स है, और दो और पांच की फोर्स। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें नेट फोर्स किस पे निकालनी है, तो जिस पे निकालनी है तो सारे वेक्टर भी उसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आपके पास फिर से एक बार तीन चार्जेस हैं, -2 कूलम 1 मीटर, 3 कूलम एंड -5 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, 3 कूलम पे नेट फोर्स बताओ क्या होगी। अब क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे है, तो हम सारे वेक्टर्स कहां ड्रॉ करेंगे? 3 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, तो फॉर एग्जांपल -2 ने इस 3 को अपनी तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट के खींचेगा, कितनी फोर्स से? 1/4πε0 3 into 2 by 1 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं यहां पर फोर्स की कैलकुलेशन में साइन ऑफ चार्ज नहीं लूंगा,
मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ही लूंगा, आप भी मत लें, मैग्नीट्यूड लें। तो आप कहेंगे सर साइन कहां गया, साइन आपको यह बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, तो यह वेक्टर ड्रॉ करने में साइन का अपना ही रोल है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, यहां पर आपने कोई साइन पुट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल माइनस पांच ने तीन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, कितनी फोर्स से किया, 1/4πε0 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगेन डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। नाउ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेट फोर्स में बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर दें, माइनस, ये आपकी बड़ी फोर्स है, माइनस ये आपकी छोटी फोर्स है, ये ले। और क्योंकि ये बड़ी फोर्स है तो नेट आंसर कहां आएगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है तो माइनस करने के बाद नेट आंसर टुवर्ड्स राइट आएगा। तो आई होप, और हाँ आप इसे सॉल्व करेंगे 9×10⁻⁹ पुट करके, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको दो लास्ट प्रॉब्लम और बताता हूं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे सपोज ये आपके सामने तीन चार्जेस हैं, कैसे, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है और ये 5 कूलम है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम, 5 कूलम पे नेट फोर्स बताएं क्या होगी। तो 5 कूलम के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर कहां पर ड्रॉ करने हैं, 5 कूलम पे ड्रॉ करने हैं, कैसे, ये 2 कूलम 5 को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल बाय अ फोर्स ऑफ F1 जिसकी वैल्यू 1/4πε0 2 × 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये 3 कूलम भी 5 कूलम को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल, तो F2 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 5 × 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो 5 कूलम पे नेट फोर्स है तो 2 ने 5 को रिपेल किया, 3 ने 5 को रिपेल किया। अब ये 2 वेक्टर्स हैं और 90 डिग्री पे हैं, साफ पता लग रहा है। तो नेट आंसर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से आपके पास नेट वैल्यू आएगी, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, बिकॉज आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो सबको पता है कि रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 आप सॉल्व कर लेना, F2 सॉल्व कर लेना आंसर, बट क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ सकती है। तो डायरेक्शन के लिए सपोज ये एंगल ड्रॉ कर दे थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये F2 चल रहा है, ये F2 चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या चल रहा है, F2 चल रहा है, ये क्या चल रहा है, F1 चल रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में लिख देना tan थीटा इज F2 डिवाइडेड बाय F1, तो F2 आपको पता है, F1 आपको पता है, डिवाइड करके आंसर आएगा। तो हो, मुझे पता नहीं, जो भी सॉल्व करोगे आंसर आएगा, लेट अस सपोज आंसर 3/4 आ जाता है मान लो, तो आप अपना आंसर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, बट आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सपोज करो आपके पास 2 चार्जेस हैं, आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है 3 कूलम, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, या सपोज ये डिस्टेंस है 3 मीटर, राइट, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, यहां पर पड़ा हुआ है चार्ज 1 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, तो 1 कूलम पे नेट फोर्स क्या होगी ये आपको निकालना है। तो रूल नंबर 1, 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा कौन, 1 2 लगाएगा और 1 3 लगाएगा, कैसे लगाएगा ये देखो,
टू कूलम वन कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो टू कूलम है वन कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा, कुछ ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है। तो टू कूलम वन कूलम को रिपेल करेगा। सिमिलरली ये थ्री कूलम भी वन कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये लो, ये रिपेल करेगा। थोड़ा इजी बनाने के लिए काम कर लेते हैं, सिमिट्री में चार्ज लेते हैं, ये थ्री की जगह ना टू कूलम ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा यहां पर सेम रहेगा। टू, ये टू कूलम थ्री थ्री सिमिट्री है। तो इस टू कूलम ने वन कूलम को रिपेल किया, टू कूलम ने वन कूलम को यहां रिपेल किया। कितनी फोर्स, ये थ्री ये फोर मीटर, तो पाइथागोरस से ये फाइव मीटर, ऐसे ये भी फाइव मीटर। तो टू कूलम ने वन कूलम को रिपेल किया बाय अ फोर्स ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। सिमिलरली ये फोर्स की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम आएगी, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालनी है, यहां पर क्या होगी 1 कूलम पे। अब नेट फोर्स निकालने के दो तरीके हैं, अगर आप इन दोनों के बीच में मुझे एंगल बता दें तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आप नहीं बता सकते कोई बात नहीं, एक और तरीका है जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो हमने प्लस वन में किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने क्या किया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर एक काम करते हैं, इस फोर्स के कॉम्पोनेंट लेते हैं। पहला कॉम्पोनेंट इस फोर्स का यह आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, या एक और काम करते हैं, पहले इमेजिन कर लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये भी थीटा है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो इस फोर्स एफ के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट इस तरफ एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस एफ के भी दो कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब साफ पता लग रहा है कि ये वाला और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर गया, कैंसिल। तो इस वन कूलम पे नेट फोर्स क्या बनेगी, इस वन कूलम पे नेट फोर्स बनेगी 2 एफ कॉस थीटा। तो आई होप ये चीज क्लियर है, दो कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल कर गए, दो कंपोनेंट्स ऐड हो गए, तो नेट आंसर क्या हुआ, 2 एफ कॉस थीटा। अब 2 इंटू एफ की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने निकाली हुई है, 2 इंटू 1 बाय 5 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल सकते हैं जो कि कितना है, 4 बाय 5। आप इसे प्लीज सॉल्व कर लें, नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर डायरेक्शन की बात करते हो, क्योंकि नेट फोर्स 2 एफ कॉस थीटा टूवर्ड्स राइट है, तो यहां या तो यहां लिख दें राइट, या लिख दें पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है कूलम लॉ किया, कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के एग्जांपल लिए, तीन चार एग्जांपल करके दिखाए। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा प्योरली न्यूमेरिकल का होगा, उसके अंदर हमने ये प्रैक्टिस करनी है हाउ टू अप्लाई कूलम लॉ ऑन पॉइंट चार्जेस। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, आप अपने आप क्लास में क्या करेंगे, इसे ट्राई करेंगे। तो यहां तक आज सफिशियंट है, तो थैंक यू सो मच। तो हम क्लोज करते हैं आज का सेशन, और नेक्स्ट टाइम फिर से शुरू करेंगे कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ।